हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में। इसका टॉपिक है नेटवर्क प्रॉब्लम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं वो बताऊंगी। यानी कि अगर वाईफाई में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, वाईफाई कनेक्ट करना चाहते हो, आपको करंट नहीं हो रहा है, कोई सा भी प्रॉब्लम होता है, तो फ्रेंड्स इसे कैसे सॉल्व करते हैं वो बताएंगे। फ्रेंड्स मेरे पास है सैमसंग का फोन। और फ्रेंड्स अगर मेरे चैनल पर पहली बार है, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको जनरल मैनेजमेंट पर क्लिक कर देना है, रीसेट का ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। एंड इसके बाद आपको मतलब रीसेट पर क्लिक करने के बाद आपको उस प्रकार से इंटरफेस आता है, तब आपको यहाँ दिखता है रीसेट नेटवर्क सेटिंग। और रीसेट यानी अगर नेटवर्क से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उस पर क्लिक कर देंगे और रीसेट सेटिंग पर क्लिक कर देंगे, रीसेट कर देंगे। और उसे रीसेट करने से आपके फ़ोन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, देख सकते हैं रीसेट हो चुका है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको किस प्रकार से रीसेट करते हैं, तो रीसेट करने से आपको नेटवर्क प्रॉब्लम होता है सॉल्व होता है। अगर ब्लूटूथ प्रॉब्लम सॉल्व करने इसका रीसेट करें तो तीनों के साथ ही रीसेट होता है। और वाईफाई मोबाइल और मोबाइल डाटा ब्लूटूथ तो ये तीनों एक साथ होता है। तो अगर ब्लूटूथ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रीसेट करते हैं, वाईफाई कनेक्ट है वो डिसकनेक्ट हो जाता है। अगर वाईफाई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप कनेक्ट और रीसेट करते हैं तो आपका ब्लूटूथ जो कनेक्ट है वो डिसकनेक्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स यही होता है, दोबारा से कनेक्ट करें तो सही चलते हैं। फ्रेंड्स इसी प्रकार से अपने फ़ोन में और मतलब इसी प्रकार से कर सकते हैं वाईफाई प्रॉब्लम सॉल्व। और फ्रेंड्स प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स तब तक ही नमस्कार।